पैर में मोच आना, हाथ जल जाना या फिर किसी व्यक्ति का जहर खा लेना, ये सब चीजें ऐसी है जो अचानक से हो जाती है और उस वक्त इंसान काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट के मारे वो ऐसी कई चीजें कर जाता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को आराम मिले और वो ठीक हो। हालांकि उसे बाद में अस्पताल तो ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले हम कई सारे घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं। पर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो आप आए दिन या रोजमर्रा की लाइफ में किसी न किसी इंसिडेंट में यूज करते हैं और वो कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आप इन सभी बातों से काफी दूर हैं। और ऐसे में हम आपको जो टिप्स बताएंगे वो काफी आसान और आपके लिए काफी हार्मफुल भी हैं। तो अगर आप भी इन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको काफी कुछ बताने वाले हैं जो वाकई काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, और आंख ऐसी नाजुक चीज है जिसमें अगर आपकी पलक भी चली जाए तो काफी दिक्कत आती है। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि एक कांच का टुकड़ा अगर आपकी आंखों में चला गया तो क्या होगा? जी हाँ, कांच का टुकड़ा। अगर कोई नुकीली चीज जैसे कांच का टुकड़ा आपकी आंखों में चला जाए तो उसे खुद से निकालने की कोशिश ना करें, अस्पताल जाएं और मदद लें। अगर आपकी आंखों में आईलैश जैसी कोई चीज चली जाती है तो आईने में देखें, पलके झपकाएं, आपकी आंखों के कोने से आईलैश को धो दे और गीले कपड़े से पोंछ ले। आंखों को छूने से पहले हाथ धोना ना भूलें। ऐसा करने से आपकी आंखों में लगी चीज हट सकती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये एक बेहतरीन तरीका है। जब कभी हमारे पैरों में चोट आती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार तो हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम सोचते हैं कि दवा खा लेने से हमें पैर के चोट में आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर हम आपको बेहद ही सरल टिप्स बताते हैं। अगर कभी भी आपके पैर में चोट आ जाए तो सबसे पहले आप अपने घाव पर मरहम ना लगाएं, घाव को बहते पानी और साबुन से धोएं, फिर पट्टी लगाएं ताकि जो बैक्टीरिया हो वो आपके घाव से हट जाए और आपको पट्टी लगाने से काफी आराम मिले, क्योंकि घाव में हवा लगने से काफी ज्यादा परेशानी आती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब इंसान को बुखार आता है तो सबसे पहले वो दवा खाने की कोशिश करता है ताकि उसका बुखार ठीक हो जाए। कई बार तो लोग इतने बिजी होते हैं कि वो गोली खाकर अपने बुखार को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। पर अगर आपको बुखार है तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। बुखार वाले शरीर पर शराब या सिरका ना मलें, बहुत सारा पानी और चाय जैसे चीजों का सेवन करें, जैसे कॉफी पिएं, और कमरे का तापमान 61 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखें ताकि आपके बुखार में काफी हद तक राहत मिले। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अक्सर ज्यादा काम करने या फिर थकावट या गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। उस दौरान हम कई ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो हमें क्या टिप्स अपनानी चाहिए। दरअसल सबसे पहले तो बेहोश व्यक्ति को सिर के बल ना उठाएं, उसके पैरों को ऊपर उठाएं और किसी भी टाइट बटन को खोल दें। होश में आने के बाद उसे खड़ा ना होने दें और कैफीन युक्त कोई पेय ना दें। और हमेशा हम यही गलती करते हैं कि बेहोश होने की वजह बीपी लो होती है और हम कॉफी जैसी चीजें उस व्यक्ति को पिला देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए कुछ नहीं देना चाहिए पानी के सिवाय। हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हमारे हाथ या पैर जल जाते हैं और इस दौरान हम जल्दबाजी में उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ताकि वो उस जलन को ठंडक पहुंचाए, लेकिन आप ये करके सबसे बड़ी भूल करते हैं। आपको बता दे, जब भी आपके हाथ या पांव का कोई भी हिस्सा जल जाता है तो आपको जले हुए स्थान पर मक्खन या खट्टा क्रीम नहीं लगानी चाहिए और 10 मिनट के लिए अपने जले हुए हिस्से को बहते पानी के नीचे रखें। बल्कि हमने कई बार ये भी सुना है कि जले हुए हिस्से को पानी में रखने से फोड़े निकल आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब भी आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जल जाता है तो आप थोड़े समय के लिए अपने हाथ या पांव को पानी में रख सकते हैं। अपने आप पर एक अव्यवस्थित जोड़ सेट ना करें। आप एक टूर्निकेट लगा सकते हैं और उस जले हिस्से को स्थिर कर सकते हैं और अस्पताल जा सकते हैं।
जब भी बच्चे खेलते हैं इधर से उधर आते हैं तो अक्सर अपनी मम्मी से शिकायत करते हैं कि उनके पैर में मोच आ गई है। ऐसे में कई बार मम्मियां इस मामले में धोखा खा जाती है और वो मोच पर दवा लगाकर पट्टी बांध देती है, पर ये सबसे गलत तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि मोच पर कोई गर्माहट ना लगाएं, मोच पर ठंडी बर्फ लगाएं और कोशिश करें कि मोच वाली जगह को 48 घंटे तक ना हिलाएं। हमारे आसपास कई ऐसे केसेस देखने को और सुनने को मिलते हैं जिसमें लोग जहर खा लेते हैं और उसके बाद लोग सबसे पहले उनसे उल्टी करवाते हैं, पर ये सबसे गलत तरीका है। जब भी कोई व्यक्ति जहर खाता है तो आप उस व्यक्ति के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दरअसल अगर आप जहर का सेवन करते हैं तो खुद को उल्टी ना कराएं। कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितना जल्दी हो सके अस्पताल जाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो वो खुद को बचाने के लिए जो उसे बचाने जाता है उसके सहारे ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में बचाने वाले पर भी खतरा बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छा और सरल तरीका हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो डूबते हुए व्यक्ति के पास सामने से ना जाएं, पीछे से उनके पास जाएं और उनकी गर्दन या बगल से पकड़ें और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ें। हमारे हाथ या पांव या शरीर के किसी भी हिस्से में जब घाव हो जाता है तो हम उसे साफ करने के लिए कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दरअसल उस दौरान उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं और देखरेख में सर्जरी द्वारा हटा दें। केवल तभी जब निकालना सुरक्षित हो। घाव को कीटाणु रहित करने के लिए कुछ अल्कोहल लगाएं ताकि घाव में मौजूद बैक्टीरिया मर सके। आपने सुना होगा कि जब भी हमारे पांव में चोट या घाव आता है तो उस पर बर्फ लगानी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है? दरअसल जब भी आप अपने घाव पर बर्फ लगाएं तो हमेशा याद रखिए कि बर्फ को सीधे घाव पर ना लगाएं। घाव पर एक कपड़ा रखें और फिर बर्फ लगाएं केवल 20 मिनट तक, ताकि आपके घाव को राहत मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी टिप्स समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन सभी चीजों से आपको कितना फायदा हो सकता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।